ना अपना ये नाटक बंद कर। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, मोहन भी मेरा है और ऑफिस भी मेरा है। बस करेंगी दामोदर जी, आप क्या बोले जा रही हैं आप? हाय, दिस इज मनीषा पुरोहित और आपकी प्यारी निर्दोष विधवा कावेरी। आप देख रहे हैं टेली बाइट्स। तुम अपना नाम बताओ, नाम क्यों बताए? हाय, दिस इज पूजा कावा एंड मैं आपकी प्यारी केतकी और आप देख रहे हैं टेली बाइट्स। बहुत बढ़िया है, जब तक हमारी राधा हमारे साथ कोई साजिश ना करे हम तो बड़े अच्छे रहते हैं। तुम बताओ, आजकल बड़ी राधा की साइड ले रही हो? हाँ, ऑफ कोर्स मैं लूंगी ना, आप हरकत ही ऐसी करते हो। बस यहीं पे हमारा पंचर हो जाता है। हम बाद में बताएंगे, तुम बोलो पहले। मोहन राधा से प्यार करना शुरू कर दिया है मोहन ने राधा से प्यार करना। तो अब मोहन भैया बता नहीं रहे कि वो राधा से प्यार करते हैं, तो हम उन्हें उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्लान होता है हमारा। हाँ, ये लोग जो है ना मिली भगत बहुत चाहते हैं कि हमारी राधा रानी ऑफिस जाए और हमारे राज के बारे में पता करे। राज के बारे में इन्हें नहीं पता, हमें ही है। तो बड़ी कोशिश कर रही है कि मोहन के मुंह से उगलवाने की कि वो राधा से प्रेम करता है और कुछ भी करके राधा को ऑफिस भेजना चाहते हैं ये लोग। तो ये मिली भगत है जिसे मैं और हमारी बिटिया बस कोशिश कर रहे कि राधा रानी ऑफिस ना जाए। आई होप 100% सक्सीड हो जाए हम, क्योंकि मैं तो लिटरली देखना चाहती हूँ राधा मोहन का प्रेम। मतलब मोहन भैया बता दे और राधा भी ऐसे हो जाए कि ओ माय गॉड, अब फाइनली मोहन हैज स्टार्टेड लविंग मी। ये सही कह रही है हमारी बिटिया। वैसे भी बांके बिहारी जी हमारे साथ तो है नहीं, जितने भी प्लान बनाते हैं हमारे तो फ्लॉप ही होते जाते हैं। तो यही लोग सक्सेस होंगे, चलो देखते हैं, कुछ हमारा भी भगवान सुन ले। नया तो बहुत सारा ड्रामा है भाई, क्योंकि दामिनी और हम कुछ भी करके राधा को मोहन की ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, जो पहले हमने किया था मोहन और तुलसी के साथ। तो हम चाहते ही नहीं कि मोहन और राधा एक दूसरे के पास आए, और ये हमारी ऑपोजिट पार्टी बड़ी कोशिश करती है। कल क्या किया बताओ, बताओ कौन से गाने गाए, क्या किया बताओ? कौन से गाने गए? अरे मोहन और राधा को पास लाने के लिए कुछ तो किया था ना तुमने? ओह, हमने एक डांस परफॉर्म किया है, वो आपको देखने मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ देखा देखा, ये लोग मिलके डांस परफॉर्म करते हैं ताकि राधा और मोहन एक दूसरे के पास आ जाए, और हम इतना ड्रामा और इतने कांड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास ना आए। तो आने वाले एपिसोड्स बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, देखना मत भूलिएगा। मंडे टू संडे रोज रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर प्यार का पहला नाम राधा मोहन, लव यू। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे घर में कोई कांड ना। अब फिर से क्या हुआ? वो जा चुकी है, अब इस ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। पहले इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और अब मेरा काम भी छीनना चाहती है। जब तुलसी ने तुमको मुझसे छीन लिया था ना, कम से कम उसने मेरे काम को तो बख्शा था जिसके सहारे मैं जी रहती थी, लेकिन ये राधा तो मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। राधा ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस बेकार में इनसिक्योर हो रही हो और कुछ नहीं। अरे दुलारी जितनी औकात है इसकी इस घर में, जब ये पहली बार हमारे घर आई थी तो क्या किसी को भी आइडिया था कि ये झूठ बोल के धोखे से तुमसे शादी करने की? नहीं ना, गिर गिर गई ये लड़की, कब कहाँ रंग बदल ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। इससे मेरा परिवार छीन लिया, तुम्हें छीन लिया, मेरा काम भी छीना चाहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आप दामोदर जी क्या बोले जा रही हैं आप? बस करेंगी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये घर दफ्तर सब आपका है। तुम ना अपना ये नाटक बंद करो, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, मोहन भी मेरा है और ऑफिस भी मेरा है। बस करेंगी दामोदर जी, आप क्या बोले जा रही हैं आप? दामिनी काम डाउन, प्लीज काम डाउन, कोई तुमसे कुछ नहीं छीनेगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। उंगली उठाता है तो कैसे धुलाई करता है, अच्छे से धुलाई करते हैं और परेशान भी करते हैं। हम तो क्या करें?
दिमाग खाओ तो ज्ञान होगी ना तो सबको सबके साथ मिलकर मेरा दिमाग खाओगी। हाँ